हाँ, इस बारी जो आतिशबाजी इसके अंदर होगी वो होगी इको फ्रेंडली आतिशबाजी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, जिससे वातावरण भी को भी प्रदूषण नहीं होगा, ना कोई दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉनिक चलेगी। तस्वीरें हैं पानीपत की। पूरे देश में पानीपत का दशहरा सबसे ज्यादा मशहूर है। हर कोई जानता है कि सबसे ज्यादा धूमधाम से पानीपत में ही दशहरा मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस बार पानीपत में 101 फुट का रावण दहन किया जाएगा। इसके अलावा 70 फुट का रावण 25 सेक्टर में और देवी मंदिर में ही 70 फुट का रावण दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो हर साल पानीपत में आकर रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। इस काम में बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा इनका कहना है। उन्होंने बताया कि अगर बारिश आ जाती है तभी उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं, सारा सामान खराब हो जाता है और उनके साथ ये घटना भी पानीपत में घटी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से दिन रात जाकर सभी पुतलों को दोबारा से बनाया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भैया, पानीपत के अंदर हम 22 पुतले हमने बनाए हैं एक महीने के, सवा महीने के अंदर अंदर, और सारे हमने बड़े पुतले बनाए हैं। श्री कृष्णा क्लब 24 सेक्टर में हमने 101 फुट का पुतला बनाया है। 25 सेक्टर सनोली रोड दशहरा कमेटी में हमने 70 फुट का पुतला बनाया है। श्री देवी मंदिर के अंदर हमने 70 फुट का पुतला बनाया है। अंसल के अंदर हमने 30 फुट का पुतला बनाया है। TDI के अंदर हमने पुतला बनाया है। लाडवा के अंदर हमने 60 फुट का पुतला बनाया है। सफीदो के अंदर 60 फुट का पुतला बनाया है। डार के अंदर बनाया है हमने 30 फुट का पुतला। नहीं, मैं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई हैं जो मेरा इस काम में साथ दे रहे हैं, और मेरे मौसी के लड़के हैं जावेद भाई, और जो ये मेरी मौसी के लड़के हैं ये हैं जिला बागपत शेखपुरा गांव से जो कारीगर है। कोई अपना और भी काम है? हाँ, इससे अलग मेरा कपड़े का एक्सपोर्ट का काम है, और हमारा पटाखों का, ब्याह शादियों के अंदर और दिवाली के अंदर पटाखों का भी हमारा काम है। कलंदर चौक में हमारी दुकान है पटाखों की, और ब्याह शादियों में हम काम करते हैं। तो सर, एक लेगो बनाने में कितना दिन लग जाते हैं? एक जो ये इस साइज के पुतले जो ये यहाँ पे पड़े हैं उनको बनाने में हमारे को 1 से 1.25 महीना लग जाता है, पूरी दिन और रात मेहनत करके। हम पहले दिल्ली अपने मौसा के पास जाया करते थे जब रावण बनते थे, हमने जहाँ से काम सीखा है, पहले मेरे दादाजी भी बनाया करते थे। तो जो दशहरा और रावण जितनी धूमधाम से दहन यहाँ पर होता है, जितनी धूमधाम से दशहरा यहाँ मनाया जाता है, शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं ऐसा मनाया जाता। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पानीपत का दशहरा बहुत मशहूर है। जैसे यहाँ पर हनुमान जी की स्वरूप आते हैं, और वो 40 दिन से अभी बैठे हुए हैं, वो भी चलिए पे बैठे हैं, वो भी दिन रात पाठ करते हैं और पूरे साफ सुथरे के साथ, मतलब वो काम मूर्ति उठाते हैं वो, और आते हैं दशहरा खेलते हैं ग्राउंड के अंदर, और फिर रावण का दहन होता है इसके साथ चक्कर लगा कर। ऐसा दशहरा कहीं नहीं मनाया जाता पूरे हिंदुस्तान में। इसके अंदर तो जी देखो, खर्चा तो इसमें अंदर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमारे को दिन और रात जाग कर हमारे को ये काम करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बारिश आ गई, हमने पुतले तैयार कर रखे थे बिल्कुल, उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। तैयार पुतले सारे पानी के अंदर बह गए, फिर हमारे लड़कों ने दिन और रात एक करके जाग के पूरी मेहनत करके उनको दोबारा तैयार करा। अब यहाँ पर भी हम दोबारा ही तैयार कर रहे हैं, सारा कागज़ दोबारा से लगाया जा रहा है, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ था। इनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है। 23 लड़के हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और पूरी टीम सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सो पाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रदूषण रहित करने के लिए वातावरण को इस बार पटाखों का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। सुनिए सबसे पहले इनका क्या कुछ कहना है और किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इन्हें बनाने में हमारा 1 से 1.25 महीना लग जाता है दिन और रात काम करके, और हमारी यहाँ पर 22-23 लड़कों की टीम लगी हुई है, और हम दिन और रात काम करते हैं, यहाँ 4 या 5 घंटे ही हम सो पाते हैं। बस इसके अंदर जान डालने की कमी है और कोई कमी नहीं है पुतलों के अंदर। हाँ, इस बारी जो आतिशबाजी इसके अंदर होगी वो होगी इको फ्रेंडली आतिशबाजी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, जिससे वातावरण भी को भी प्रदूषण नहीं होगा, ना कोई दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉनिक चलेगी।
और बहुत अच्छी चलेगी, जो पहली बार चलेगी ऐसी, ऐसी कभी भी नहीं चली जब से दशहरा बना, ऐसी आतिशबाजी चलेगी। तो सुना आपने कितनी मेहनत लगती है, और ये काम इनका पूर्वजों से चला रहा है। पहले ये काम अपने पूर्वजों से इन्होंने सीखकर उसके बाद अब इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में पानीपत का दशहरा पर्व सबसे ज्यादा मशहूर है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी टीम ने सवा महीने के अंदर अंदर 22 पुतले बनाए हैं, और सबसे लंबा रावण 101 फुट का श्री कृष्णा क्लब 24 सेक्टर में जलाया जाएगा। इसके अलावा 25 सेक्टर में 70 फुट और देवी मंदिर में 70 फुट का रावण दहन किया जाएगा। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।